Myself, Ranjan Kumar Jha. हम आप लोगों के साथ मिल गए अभी यूपीएससी प्रीमियर 2019 का सीसेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. सीसेट पेपर में तीन तरह के पोर्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और एक कॉम्प्रेंसिव पोर्शन होता है. तो हम मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और जिसमें समथिंग 51 या 52 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के आए हुए थे इस साल. और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है अगर आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो शायद टाइम टेकिंग क्वेश्चन सब ज्यादा है. तो आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व वे में करना है. तो सॉल्व वे में हम किस तरह से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम उस प्रोसीजर को अभी देखेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को आगे फॉलो करेंगे कि इसमें क्या कौन सा ऐसा लॉजिक लगाए कि जो क्वेश्चन है उसको कम से कम समय में हम इजिली सॉल्व कर सकें. तो हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल बी अपीयर वी राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000. तो यहाँ से आपसे ये पूछा गया है 1 to 1000 के बीच में 5 जो है वो कितने टाइम्स आएगा. आप चाहो तो उंगली पे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर उंगली पे कैलकुलेट करना है तो आपके पास टाइम लेने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, 2 to 3 मिनट. तो आप एक काम कीजिए, इसको शॉर्ट वे में यूज कीजिए. तो शॉर्ट वे में यूज करने के लिए आपने बचपन से एक सिक्वेंस वर्ड सुना होगा कि एक सिक्वेंस होता है कि किसी चीज में जो सिमिलरिटी रहती है वो फॉलो अप होती रहती है. तो हम इसको एक शॉर्ट वे में तोड़ के उस सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, 1 to 1000 दिया हुआ. तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो 1 to 100 सेम होगा. 1 to 100 में जो 5 डिजिट आना होगा वो 200 to 300 में भी वही आएगा और 900 to 1000 में भी वही आएगा. तो हमने 1 to 100, 100 to 200 और इसी तरीके से फॉलो किया 900 to 1000. एक्सेप्शनल केस एक आ जाता है, वो है 500 to 599. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 ऑलरेडी आगे आ जाता है. आपको 5 डिजिट कैलकुलेट करना है, 5 ऑलरेडी आया हुआ है. तो 1 to 100 में जब हम 5 को डिजिट कैलकुलेट करेंगे, 5, 15, 10, 10, 10, 95 और यहाँ पे एक और बीच में एक टर्म अलग सा दिखेगा अपन को 50 to 59, जहाँ पे 5 जो है वो आपको 11 टाइम्स दिख जाएगा. और 5 to 95 में तो 9 आ जाएगा क्योंकि 0 से 9 तक हम फ्लो कर रहे हैं. तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 1 to 100 में क्या आएगा, टोटल 5 डिजिट कितना है, 11 plus 9, दैट मीन्स 20. और 100 to 200 में भी इसी तरह प्रोसीजर होगा. तो हमने क्या किया, 20 into 9 कर दिया, दैट इज 180. और 500 to 590 में जब हम इसको गए 5 को कैलकुलेट करने, तो 5 ऑलरेडी 100 टाइम्स है, 500 to 99, दैट मीन्स 500 टाइम्स प्लस हमने 0 से 99 में टोटल 5 हमारे पास कितने आ रहे थे, 20, दैट इज 120. और 180 प्लस 120 आपके पास कितना आ गया, 300. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 300. सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका है सॉलिड क्यूब पे. क्यूब पे हर ईयर सीसेट ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, चाहे आप 2012 का पेपर से अभी तक का देख लें, हर साल आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. तो हम जैसे सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक सॉलिड क्यूब है जिसको पेंटेड येलो, ब्लू और ब्लैक किया गया है, अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर. तो क्यूब में ऑलरेडी 6 फेसेस होते हैं जिसमें येलो 2 पोर्शन में, ब्लू 2 पोर्शन में, ब्लैक भी 2 पोर्शन में. तो इस तरह से आपका 6 पोर्शन कवर अप होता है. क्यूब को कट करना है 36 क्यूब में, 2 डिफरेंट साइज सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल, अदर 4 आर बी, और नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू. हाउ मेनी क्यूब्स हैव, हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली 1 face इज पेंटेड. तो ये इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फेसेस होगा जिसमें सिर्फ 1 साइड कलर अप होगा, ओनली 1 साइड. क्यूब के 4 साइड कलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ओनली 1 face इज पेंटेड. मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन बोले सीसेट 2019 का शायद से. तो ये देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी देखना पड़ेगा. फर्स्टली हम जब क्यूब होता है, एक हम क्यूब बना लेते हैं रफली, जिसमें अपन को एक आइडिया आ जाएगा. इस तरह से क्यूब होता है. अच्छा चलिए, क्यूब में हमने देखा होगा
टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब, इस तरीके से टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, तो फोर का क्यूब 64, थ्री का क्यूब 27, तो हम देखिए 27 थ्री पोर्शन में इसको डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 क्यूब चाहिए, जिसमें 32 कैसे होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए और 4 कैसे होने चाहिए बिगर होने चाहिए, तो हमने क्या किया 4 का क्यूब ले लिया। 4 का क्यूब मीन्स इसको तीन लाइन खींच दी 1, 2, 3, ये हो गया। तो एक लाइन और 1, 2, ठीक, ये क्यूब हो गया। तो हमने क्या किया, पहले इसको 64 पोर्शन में कट कर लिया और हमने बीच में से ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम बीच में से हम इस लाइन को हटा दें तो ये क्यूब जो है हमें बड़ा क्यूब मिल जाएगा। हमने उसको वही किया, हमने क्या किया इस बीच वाले लाइन को हमने रिमूव कर दिया, तो आपके पास टोटल कितने क्यूब आ जाएंगे 27 क्यूब आ जाएंगे। देखिए यहां से दो क्यूब हट गए, यहां से भी दो, यहां से भी दो, दो इस तरह के से हमने इसमें से रिमूव कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितने क्यूब आ गए यहां पे 36 क्यूब आ गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए 32, तो ये इधर वाले पोर्शन में आपके पास टोटल कितने 16, तो बैक साइड भी उतने ही होंगे, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। और इधर देखिए 1, 2, 3 और इस साइड भी एक हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो इसी अकॉर्डिंग था, तो उसने पूछा है कि कौन से हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस इज पेंटेड, तो वन फेस इज पेंटेड के लिए आप किसी भी पोर्शन को उठाइए तो इसके टू फेसेस कलर मिलते हैं 1, 2, 1, 2, 1, 2 या 1, 2, मींस इस तरीके से आपको फेसेस मिलेंगे। लेकिन अगर जब हम सेंटर पोर्शन उठाएंगे सिर्फ ये, तो यहां पे आपको कितना मिलेगा सिर्फ वन फेस कलर मिलेगा, दैट्स मींस 4 इधर, तो 4 पीछे वाला भी क्यूब का पीछे होगा, दैट्स मींस क्या हो जाएगा 2 × 4 = कितना हो जाएगा 8, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड का सी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज पे है, परसेंटेज पे बेस भी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी 2 या 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ए एंड बी आर 2 हैवी स्टील ब्लॉक, बी इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए, द वेट इंक्रीज बाय 16%। देखिए ए और बी दो ब्लॉक्स हैं और दो ब्लॉक्स में जब आप बी को ए पे प्लेस करते हो तो टोटल वेट इंक्रीज 16 होता है। जैसे ये ए है और ये बी है, हमने क्या किया ए के ऊपर बी रख दिया, तो जैसे ही हमने ए के ऊपर बी रखा तो 60% जो है वो इंक्रीज हो गया। अगर ए का वेट अगर मैं मान लू कि 100 है, हम 100 ही क्यों मानते, क्योंकि 100 एक ऐसा वे है जहां से आप इजीली इसको 5 to 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे देखिए, अगर ए 100 है तो 60% इंक्रीज हुआ तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 160, अगर 160 हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में कितना वेट रिड्यूस होगा अगर हम बी को हटा दें, तो बी का वेट कितना है 60 और टोटल वेट कितना है 160। उसने पूछा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट तो 160 और बी का वेट कितना तो 60, और इसको परसेंटेज के लिए अपन क्या करते हैं इनटू 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए 2 × 3 = 16, 2 × 8 = 16, तो ये आपका आ जाएगा 75/2, दैट मींस 37.5%। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, बहुत ही लॉजिकली और काफी अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ कैलेंडर वैसे कैलेंडर ने भी 1 to 2 क्वेश्चन हमेशा दिया है हर ईयर, और इसको समझना पड़ेगा थोड़ा लॉजिकली, क्वेश्चन है ये। मिस्टर एक्स के पास 3 चाइल्ड थे, बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल,
And the second one falls on 5th Thursday of November. On which day is the birthday of his third child, which fall on 20 December. So, हम यहाँ पे देखते हैं, Mr. X के पास तीन child हैं, तो हम first child का देखते हैं. First child का जो birthday है, वो 5th Monday को पड़ रहा है. 5th Monday को पड़ रहा है. कौन से month में? April month में. अच्छा, और second child का जो birthday है, वो कौन से? 5th Thursday को पड़ रहा है. कौन से month में? नवंबर मंथ में. तो हमसे ये पूछा गया है 20 दिसंबर को जो थर्ड चाइल्ड है उस दिन कौन सा डे रहेगा. तो क्वेश्चन को हम उसी अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं. अप्रैल 5th मंडे को, 5th मंडे को अप्रैल में पड़ा है. तो 5th मंडे को मतलब देखिए वीक में आपको कितने मंथ होते हैं? 30 डे होते हैं. 30 डे में अगर 7 से हम करें तो 7 × 4 = 28. तो 5th मंडे, तो 5th मंडे मतलब ये होता है अप्रैल में टोटल डे कितने होते हैं? 30. या तो 29 को उसका बर्थडे होगा या 30 को उसका बर्थडे होगा. इसी अकॉर्डिंग हम 5th थर्सडे में चलते हैं. अगर 5th थर्सडे है तो इसका मतलब या तो 29 को उसका बर्थडे होगा या 30 को उसका बर्थडे होगा. इस अरेंज के मुताबिक हम इसको देखते हैं कि ये कब होगा. तो अगर हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि चलो 29 को बड़े वाले लड़के का बर्थडे है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या इसी अकॉर्डिंग ये अरेंज हो पाएगा. तो आप देखिए अप्रैल में कितने डे बच जाते हैं? 1 डे बचते हैं. मई में कितने डे बच जाते हैं? 3. इसी अकॉर्डिंग जून में कितना हो जाएगा? 2. जुलाई में 3. अगस्त में 3. अच्छा, हम ये 1, 2, 3 कैसे लिख रहे हैं? जैसे 7 × 4 = 28, तो उसमें जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख रहे हैं. 7 × 4 = 28, बचा 3 रिमाइंडर, तो ये लिख रहे हैं. फिर ये सितंबर में कितना हो जाएगा आपके पास? 2. अक्टूबर में कितना हो जाएगा? 3. अच्छा, अब नवंबर में हम किसी एक को ले लेते हैं, तो हमने किसको ले लिया? 29 को. अब इसको हम जब ऐड करेंगे 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12, 2, 14, 14 और 3, 17 + 29, 45. तो इसका मतलब हो गया आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 4. जब हमने इसको 46 को किससे डिवाइड कर दिया? 7 से, तो ये रिमाइंडर बचा, तो 4. तो अगर 29 को उसका बर्थडे है तो 4 दिन बाद सेकेंड का बर्थडे होगा. दैट मींस ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे. जब भी यहाँ पे तो थर्सडे दिया हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है 29 को उसका बर्थडे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका 29 का बर्थडे कट जाएगा. तो आप अपने पास किसका बर्थडे? 5th मंडे अप्रैल में, तो उसका बर्थडे कब होगा? 13 को. कब होगा उसका बर्थडे? 13 को. तो अब 13 को अगर फर्स्ट का बर्थडे है, तो उसने पूछा है कि ऑन विच डे? 20 दिसंबर. अब आपको सेकंड वाले के लिए रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपके पास टाइम नहीं है. आपको पता चल गया कि 13 को है, तो आप 20 दिसंबर का डेट निकाल लीजिए. आपने यहाँ अक्टूबर नवंबर तक निकाला था, तो इसको एक हल्का सा और थोड़ा सा ये कर लीजिए कि नवंबर को 3 ले लीजिए और दिसंबर को 20 ले लीजिए. अब देखिए आपको पता चल गया 30 को उसका बर्थडे है, तो ये 1 की, तो उसमें कैरी एक भी नहीं बचेगा. और यहाँ फिर से सॉल्व कीजिए, 2 × 2 = 4, 3 = 7, 2 × 2 = 4, 3 = 7 ऐसे ही कट गया. 3, 3 = 6, 3 = 9, 3 = 12, 12 + 20 कितना हो गया? 32, जिसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? 4. तो 4 रिमाइंडर, 1 मिनट, 2 × 2 = 4, 3 = 7, 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 12, 12 + 30 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 1 मिनट. यहाँ 20 को उसने पूछा है, यहाँ 0 पड़ रहा है, 13 को उसका बर्थडे है, 1 मिनट. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ओके, सॉरी, ये मैंने 3 को 2 लिख दिया था, सॉरी. तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे आपने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 31. और जबकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 3. तो जब 3 रिमाइंडर यहाँ पे बच गया 7 से डिवाइड करने पे, तो आप 3 को इसमें ऐड कर दीजिए ना. मंडे को 3 डे ऐड कीजिए, तो कितना आएगा? ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे. दैट मीन्स थर्सडे. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम बनाएंगे वो उसमें कम टाइम लेगा. कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है 20 सेकंड की जगह 1 मिनट ले, लेकिन आप वेट कीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा यूपीएससी, वो आपको 5 to 10 सेकंड में करवाएगा.
तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, कि पेन की जरूरत है शायद नहीं वो, लेकिन तब भी हम देखते हैं सम रैट्स आर कैट्स। तो ये मान लीजिए ये रैट है, ये रैट का एक है जिसमें रैट टोटल कंक्लूड होते हैं, इसमें कैट दिया हुआ है, चलिए ठीक है। आप देखिए इसका कुछ ही पोर्शन इसके अंदर कवर अप हो रहा है, और सम कैट्स आर डॉग, तो मैंने यहां से ये भी मान लिया कि चलो डॉग ये होगा, हो सकता है ये पोर्शन यहां भी हो सकता है, मे बी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नो डॉग इज कॉ, डॉग जो है वो कॉ नहीं है, मतलब ये कैट है और कॉ जो है वो अलग बनेगा और डॉग अलग बनेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, नो कॉ इज ए कैट, नो कॉ इज ए कैट, कंक्लूजन नहीं, कोई कंक्लूजन ही नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो डॉग इज रेड, नो डॉग इज रेड, ये डॉग है ये भी डॉग है, डॉग नो डॉग इज रेड, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं दिया। ये पता है कि कैट इसका भी पोर्शन है, ये इसका भी पोर्शन हो सकता है, या यहां भी हो ऐसा दिया गया है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि नो डॉग इज रेड, तो सेकंड ऑप्शन भी शायद नहीं। तो थर्ड ऑप्शन सम कैट आर रेड, यस सम रैट्स आर कैट्स, तो इसका ये वाला पोर्शन भी तो यहां आ रहा है ना, तो सम कैट्स आर रेड्स, यस हो सकता है। तो ओनली कौन सा कंडीशन होगा, ओनली थर्ड कंडीशन। ये बहुत ही काफी इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार ये काफी टफ क्वेश्चन है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करने पर बैठे, क्यों, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइन दिया गया है, चार पैरेलल लाइन है, उसको चार पैरेलल लाइन से आपको द नंबर ऑफ पैरेलल सेट ऑफ फोर पैरेलल अनदर सेट ऑफ चार पैरेलल लाइन से आप कट कीजिए और फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। अच्छा आप गिनने बैठिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं इतना टाइम तो नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक लॉजिक चलते हैं। हमने 11th 12th में शायद पढ़ा था और 10th में भी कभी कभी स्टेट बोर्ड में रहता है, दैट्स सब्जेक्ट नोन एज परमेंटेशन, सिलेबस में है। परमेंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन वे में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि देखिए चार लाइन जब दो को कट करेगा तो बनेगा, लेकिन किसके साथ, चार लाइन जब दूसरे दो लाइन को कट करे, मीन्स आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन चाहिए, चार का दो पैरेलल लाइन, उसमें से किसी दूसरे वाला जो ये वाला सेक्शन है उसके दूसरे वाले में से, मीन्स इनके से 4C2 और यहां से 4C2, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने इसको एकदम सिंपल वे में हमने इसको क्या लिखा, 4C2 × 4C2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन वे में सॉल्व होगा, 4 × 3 × 2 परमेंटेशन × 2 परमेंटेशन × 2 परमेंटेशन, और ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 परमेंटेशन 2 परमेंटेशन × 2 परमेंटेशन। 2 परमेंटेशन का मतलब होता है वैल्यू 1, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, दैट मींस दिस गिव अ वैल्यू ऑफ 36। तो इसका आंसर क्या आ गया, 36। इजी था, काफी इजी था, अगर हम इसको कैलकुलेट करने बैठते ना तो शायद अपने पास 36 कैलकुलेशन करना पड़ता और वो काफी टाइम टेकिंग था, क्योंकि हम वन वे में तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम इसको डबल या ट्रिपल वे में सॉल्व करने जाएं तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। अच्छा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 is assigned to a student, then how many them play cricket as well as football? अच्छा देखिए, आप लोगों ने कभी स्पोर्ट में जर्सी देखी होगी, जर्सी के पीछे लिखा रहता है 1, 2, 3, 4। तो एक स्कूल था उसमें अलग अलग तरह के बच्चे थे, हमने उसमें क्या किया, फुटबॉल प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर पे हमने इस तरह से हमने नंबर देख लिया, किस तरीके से 4, 8, 2, 1 means divisible है, that means कहां तक जाएगा 100 तक। और क्रिकेटर भी वहां पे अपन ने एक एनालाइज किया, क्रिकेटर में हमने ये कहा कि जिसका जो 6 है 12 है, जो मतलब 6 है डिविजिबल है वो वाले ड्रेसिंग होंगे, जैसे कि 6 12 80 डैश 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 96, यहां तक। तो अब आपसे पूछा है कि कितने हैं जो क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे, तो अब ऐसा तो यही हो सकता ना इस तरीके से 12, तो अब आप किसको कैसे अरेंज करोगे, तो एक काम कर सकते हो
4 और 6 का एलसीएम ले लो, 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ 2L. और 2L को 100 से पीछे देखो, तो 2L के टेबल में 2L 1 जा 2L और 2L 8 जा 96, तो यहां पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 8. इजी क्वेश्चन था काफी ये, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक रडार है, वो एक रनर है वो क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क्स, वो 12 किलोमीटर वो क्रॉस करता है, तो उसको एक आइडिया आता है कि उसने सिर्फ 80% ऑफ रेस उन्होंने क्वालिफाई किया, तो हाउ मेनी किलोमीटर. देखिए मान लेते हैं कि हम यहां से यहां तक लेके कुछ होगा, अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहां तक 12 किलोमीटर है, क्या है यहां तक 12 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया डी होगा, टोटल डिस्टेंस डी होगा, तो डी का 80% हमने ही अभी तक सॉल्व किया, मतलब अगर एक लड़का यहां से यहां तक रेस करेगा ना 12 किलोमीटर का, तो वो 80% दौड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है. तो कह रहा है कि टोटल कितना आपके पास, हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन, तो उसको शुरुआत में कितना दौड़ना था, मींस ये टोटल डिस्टेंस पूछा था जो कितना था डी था, तो डी का 80% क्या है 12 है, आप सॉल्व कर दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये. ये दे देगा आपको वैल्यू, 1 मिनट, 4 2 8, 2 5 10, 1 मिनट, सॉरी यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा. डी इंटू 80% मीन्स 80/100 इक्वल टू 2L 0 0, 4 2 4 8, 2 5 10, 4 3 12, डैट मीन डी इक्वल टू 5 3 इक्वल टू 15. तो यहां पे ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 किलोमीटर इसका ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए राजू हैज रुपीज 9000 विद हिम एंड ही वांट टू बाय अ मोबाइल हैंडसेट, बट ही फाइंड दैट कि ही हैज ओनली 70% ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट, देयरफॉर ही बोरोड 2000 फ्रॉम अ पॉइंट. अच्छा पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है. राजू के पास 9000 रुपीज वो लेके मार्केट चला. अच्छा अब जब वो मार्केट गया ना, तो उसको एक मोबाइल पसंद होगी, हो सकता है उसका कोई कॉस्ट हो, टोटल कॉस्ट अपन को आइडिया नहीं. उसने क्वेश्चन में उसने ये दिया कि जो उसके पास जो अमाउंट था, वो उस अमाउंट का ओनली कितना परसेंट उसके पास था, 75% था. तो उसको उसने फिर क्या किया, एक दोस्त को फोन किया, उस दोस्त ने उसको 2000 रुपए तुरंत वहां पे सेंड कर दिए, 2000 रुपीज. तो अब आपको ये बताना है कि राजू के पास जो है कितने अमाउंट थे या नहीं थे, मीन्स क्या कंक्लूजन है. तो हम एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं. तो मान लेते हैं कि राजू जो मोबाइल खरीदने गया था, उस मोबाइल का प्राइस होगा एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स का 75% निकाल दिया. तो एक्स का 75% क्या दिया हुआ है, 9000 रुपीज दिया हुआ, क्योंकि उसके पास जितना अमाउंट था, उस अमाउंट का 75% वो 9000 दिखा ही रहा है क्वेश्चन. तो हमने यहां से x का 75% निकाल दिया, दैट मींस 3 से 3 कटा, 3000, x इक्वल टू 4 3 12000. तो उसको टोटल कितने का मोबाइल था, वो 12000 का. अच्छा उसके दोस्त ने जब उसको 9000 में 2000 और दिया होगा, तो उसके पास टोटल कितने अमाउंट हो गए होंगे, 11000. तो उसको क्या 1000 रुपए की कमी बची होगी, हाँ 1000 रुपए की उसको अभी भी कम थी. अच्छा राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट. राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट, फॉल्स रॉन्ग. राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 बिटवीन आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, ये भी रॉन्ग है. क्यों, क्योंकि उसको 1000 चाहिए था. एंड डी ऑप्शन देखते हैं, राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 1000 बिटवीन आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, मीन्स उसके पास इनफ अमाउंट भी और उसके बाद 1000 बच्चे भी. अरे हमारे अभी रिक्वायर्ड है 1000 की, तो हम क्यों 1000 वहां से ले. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 पे. इन 2002 ये एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. ये यूपीएससी है, चाहे यूपीएससी का सीडीएस हो या कोई और भी पेपर हो, एज प्रॉब्लम तो आना है. आप चाहे किसी भी पेपर दीजिए, अगर मैथ का क्वेश्चन आप कंपटीशन में बैठ रहे हो और मैथ पेपर है, तो
तो एज प्रॉब्लम तो आना है, तो आपको एज प्रॉब्लम तो आनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन 2002 में एक मीनू है और एक शायद मीरा है, तो मीनू एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, मतलब मीनू की जो एज है वो मीरा की एज की 1/3 है, और इन 2010 मीनू एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा, मीन्स आफ्टर 8 ईयर मीनू एज क्या हो जाता है, मीरा की एज के हाफ हो जाता है। तो व्हाट इज द मीनू ईयर्स ऑफ बर्थ। अच्छा चलिए, 2002 में मैंने मीनू लिख दिया और यहाँ पे 2010 में क्या लिख दिया, मीरा लिख दिया। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि मीरा की एज एक्स होगी तो मीनू की एज क्या हो जाएगी, एक्स वाई 3 हो जाएगी। इन 2010 तो 2010 में हमने कितने साल आगे चल गए, 8 ईयर आगे, तो हमने यहाँ भी लिखा एक्स बाई 3+8 और यहाँ भी लिखा एक्स बाई 8। तो उसने क्या दिया है कि इस वाले केस में मीनू एज जो है ना, वो ये मीनू एज मीरा की एज की हाफ है, मतलब अगर एक्स बाई 8 का मैं हाफ कर दूं तो मुझे कौन सा एज मिल जाएगा, ये एज मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स प्लस 8, 2 को इधर लेके जाते हैं, 2x/3 + 2×8=60, और ये एक्स 2x/3 को इधर लेके 16-8 ये, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स बाई 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अगर x 24 है यहाँ पे तो मीनू की एज कितनी होगी, 8 ईयर। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द मीनू ईयर्स ऑफ बर्थ। तो मीनू अभी कितने साल की है, 2002 में 8 साल की है, तो 2002 में से आप 8 साल माइनस कर दो, तो 2002 में जैसे ही आप 8 साल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1994। तो मीनू ईयर्स ऑफ बर्थ कितना हो जाएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th वाला क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन में, 1 मिनट, इलेवेंथ क्वेश्चन में राकेश एंड राजेश टुगेदर गॉट 10 बॉल एंड 10 रैकेट्स। राकेश स्पेंट 3000, राजेश स्पेंट 1500, इफ ईच रैकेट स्कोर 3 टाइम ऑफ बॉल डज। अच्छा देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लो कि मैं बॉल का प्राइस कितना है बी और रैकेट का प्राइस कितना है आर, तो वो क्या कह रहा है कि ईच रैकेट स्कोर 3 टाइम्स ऑफ बॉल, तो आर जो है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ बॉल, ये कह रहा है। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल एंड 10 रैकेट, तो दोनों ने मिलकर कितने खरीदे, 10 बॉल एंड 10 रैकेट, तो 10 बॉल प्लस 10 रैकेट, और दोनों ने टोटल कितने अमाउंट पे किए, 1500 + 1300, दैट्स मींस टोटल अमाउंट कितने पे हुए, 2800। तो यहां से 10 अगर मैं बाहर निकाल लूं कॉमन, तो यहां से देखिए 0 0, तो आर प्लस बी क्या आ जाएगा आपके पास, 280, जबकि आर दिया हुआ है आपके पास क्या है 3b, तो मैंने आर की जगह 3b इंक्लूड कर दिया, तो 3b प्लस बी 4b इक्वल टू 280, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, वेयर हैज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, प्राइस ऑफ रैकेट, तो रैकेट का प्राइस कितना है 210, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको थोड़ा सोचना है, थिंकिंग करनी है कि हम जो है ना इस क्वेश्चन में कैसे सोचे क्या करें। तो देखिए, एक कॉन्फ्रेंस होता है उसमें 100 पार्टिसिपेंट रहते हैं, इंडियन भी है और शायद फॉरेनर भी हैं, 70 इंडियन है तो 13 फॉरेनर होंगे, 16 वेजिटेरियन है तो 14 नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो उसमें से आपको कंक्लूजन निकालना है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दो कंक्लूजन निकालने हैं कि यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दी हुई है वो सही है या नहीं है। अब देख लेते हैं कि जैसे 100 है तो 100 में कितने दिए हुए हैं, 60 इंडियन दिए हुए हैं और 40 क्या होंगे, नॉन इंडियन होंगे, 40 क्या है नॉन इंडियन है। अच्छा नेक्स्ट दिया हुआ है कि 16 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, इसी में एक और केस दिया हुआ है, 16 क्या है वेजिटेरियन है और 14 क्या है नॉन वेजिटेरियन है। तो अब देखिए आगे उसने बोला, पहला ऑप्शन, एट लीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेट आर वेजिटेरियन, जरा सोचते हैं, उसने बोला 30 इंडियन पार्टिसिपेट आर वेजिटेरियन,
तो यहाँ पे वेजिटेरियन कितने हैं आपके पास? 60 हैं। अच्छा ये 70 इंडियन दिया हुआ है, यहाँ पे 70 इंडियन दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि 30 इंडियन पार्टिसिपेंट जो होगा वो वेजिटेरियन होगा। तो आपको इस हिसाब से सोचना है कि अगर 70 इंडियन है और 40 नॉन इंडियन है, तो इसमें से 16 वेजिटेरियन है वो नहीं होने। तो एक बात बताइए, या तो हो सकता है 60 ही वेजिटेरियन हो। तो हम एक कॉमन साइंस लेके चलते हैं कि उसमें हमसे ये पूछा है 30 ना, तो आप ये देखिए 70 है, तो हम क्या सोचते हैं कि 70 में से अगर 40 जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, 70 इंडियन में से 14 क्या है नॉन वेजिटेरियन है। अब आपके पास नॉन वेजिटेरियन की टोटल अमाउंट 40 है, तो आप क्या सोचोगे कि 13 तो बच गया ना, तो 13 क्या होगा, वो वेजिटेरियन होगा। 13 तो बच, क्योंकि टोटल इंडियन क्या है 70 है, और उसमें से अगर मैंने मान लिया कि 40, चलो वो क्वेश्चन वेजिटेरियन बोला, मैं इसको नॉन कंक्लूड पे लेके चल रहा हूँ कि चलो 40 नॉन वेजिटेरियन है, तो बचा क्या आपके पास 30 वेजिटेरियन। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि 13 तो वेजिटेरियन ही होगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन तो 40 ही है आपके पास, तो 30 तो बच रहा है ना। नेक्स्ट है एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन। अच्छा चलिए 70 इंडियन है, अब उसमें ये कह रहा है आपके पास टोटल 60 वेजिटेरियन है, तो चलो मैं 60 वेजिटेरियन यहाँ पे रख भी देता हूँ, तो 10 जो है 10 पीपल बच जाएंगे इंडियन पीपल, तो वो क्या होंगे, वो नॉन वेजिटेरियन ही होंगे, क्योंकि टोटल वेजिटेरियन की अमाउंट कितनी दी हुई है 16 दी हुई है। तो आपके पास सेकेंड वाला भी ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बोथ 1 और 2, ये कंक्लूडेड हो गया। तो ये हो गया आपका 12th वाला क्वेश्चन।